अब मेरा दिन का एक्टिविटी पूरा ख़त्म हो चुका है। आज मैंने सोचा है डेली ब्लॉग डालने का कि मैं क्या क्या करता हूँ। ये मैं स्कूल में हूँ और स्कूल में आने के बाद अब मैं जा रहा हूँ, छुट्टी उट्टी हो गया है। अब इसके बाद जो मैं डालूँगा अब ये पर्सनल ब्लॉग में रहेगा। घरेलू किराना सामान अब हम लोगों ने ले लिया है, अब हम लोग चलेंगे घर। सब सामान मेरा आ गया है, आलू प्याज भिंडी तेल लहसुन सब इसमें आ गया है। आज मैंने सोचा आज परफेक्ट मैं ब्लॉग बना करके रात में अपलोड करूंगा अपनी डे वाइज एक्टिविटी। और यह अतिवार चौराहे में अक्सर आता रहता हूँ और शाम के वक्त आऊँगा मैं ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने के लिए। ये भाई को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग इनको भी जरा आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ जाएंगे बिस्कुट नमकीन टाफी जरा इनको दीजिएगा। अगर इनके पास पैसा नहीं रहेगा तो हम दे देंगे, बाकी इनको दीजिएगा जरूर, ठीक है ना। चाउमीन वाले भाइयों से निवेदन है कि सब लोग चाउमीन भी देंगे, थोड़ा थोड़ा फास्ट फूड वगैरह, ठीक है ना। अब मैं स्कूल से घर गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। सबसे पहली मेरी आदत है कि जब भी मैं स्कूल से घर आता हूँ तो चिड़िया वगैरह को रोटी देने जाता हूँ, जो मैंने अपने थाली में से निकाल लिया है। अपने मैं अक्सर ही देने जाता हूँ। मैं चलता हूँ, मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये जो थाली है, ये प्लेट है, मैं इसमें अक्सर डालता रहता हूँ चिड़िया वगैरह के लिए। और ये अपराजिता का फूल है, ये अपराजिता। तो ये मेरा डेली का रूटीन है। अब चलते हैं खाना खाने के लिए। नॉर्मल मेरा भोजन रहता है खाने में। रात को मैं फुल ब्लॉग्स डालूँगा, अभी आराम आराम करके अभी जाना है दूसरे कामों के लिए। अब टाइम हो रहा है ट्यूशन व्यूशन जाने का और गेहूँ पिसवाना है। गेहूँ को डाल दिया है मैंने बाइक पीछे, रबड़ में बांध लिया है। इसके बाद मैं जाऊँगा वो हथियार के तरफ में, वो ठीक ठाक पीस देते हैं। बाकी इधर हैं एक दो लोग, सही से नहीं पीसते, मोटा और भुरभुरा रह जाता है, जबकि हम लोग महीन खोजते हैं और साफ़ सफाई के साथ। अब इसके बाद से एक दो तो ट्यूशन है और रात भर में ब्लॉग कम्प्लीट हो जाएगा, रात में मैं डाल दूँगा। जन्माष्टमी वाले दिन रात में पूजा किया था इसीलिए उसका ब्लॉग नहीं डाल पाया था, लेकिन आज कोशिश करूंगा पीछे का। एक तो 15 अगस्त का है, एक तो रुद्राभिषेक का है, उसको भी इंक्लूड करके मैं डाल दूंगा। और मैं आ गया यहाँ पर गेहूँ पिसवाने के लिए। जब मैं गेहूँ पिसवाने के लिए आया था, एक हमारा पुराना चेला मिल गया। आइए मैं आपको अपना चेला को दिखाता हूँ। उन लोग का भी दिखाते जी। भैया 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 प्रणाम, भैया प्रणाम। और ये बहुत खुराफाती बच्चा है, ये पढ़ता उड़ता नहीं है, जरा देखिए इसको। इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, जरा सा भी बात नहीं सुनता है। देखिए इसका मूंछ बंद गया, टेढ़ा बंद, देखने से खतरनाक लग रहा है। अब यहाँ से मैं ट्यूशन पढ़ा के निकलूंगा। कभी भी जब कभी जरूरत पड़े तो ऐसा बोलना चाहिए कि सामने वाले को बुरा फील ना हो। जैसे कि अक्सर मैंने देखा है कि जब हम बोलते हैं तो बेलॉस बोलते हैं या उठपटांग, कोई भी भाषा यूज़ कर देते हैं, तो ये भाषा बिल्कुल सही नहीं है। कि इनकरेक्ट आज का ब्लॉग में मैंने ये सोचा, स्कूल में भी देखा मैंने, कोचिंग में ट्यूशन में भी कई सारे लोग जो है बोलते थे उठपटांग भाषा का प्रयोग करते। तो याद रखिए उठपटांग भाषा का प्रयोग करने में आपको जेल भी हो सकती है, आपको कानूनी प्रक्रिया का भी सामना करना पड़ सकता है। वो सामने वाले के दयानत के लिए, दया के लिए, मोहलत के लिए, इंसानियत के लिए, तो आपको छोड़ता है, छोड़ते पर छोड़ता चला जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं खिड़की पे एक बिल्ला बैठा हुआ है, बहुत खतरनाक सा, और ये टाइगर की तरह है और बीपी इधर ही देख रहा है। लग रहा है इसके दिमाग में कुछ चल रही है, खिड़की बैठ करके कान बिल्कुल हिला रहा है ना। इसके पीछे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये देख इधर ही रहा है, इसके कान भी हिल रहे हैं, मतलब कुछ होने वाला है भयानक सा। और इस बिल्ले ने इधर देखा और खिड़की बैठ करके आराम से एक बार मुंडी हिलाई।
तो क्लास 10th के एक और बच्चे को मैंने ट्यूशन पढ़ाया और अब मैं जा रहा हूँ घर। मैथमेटिक्स वगैरह में पढ़ाया और इसका इम्पोर्टेंट कुछ मैथ्स का बताया, फिर जगह इंग्लिश में बताया और साइंस वगैरह में कुछ बताया। होपफुली बोर्ड परीक्षा बहुत जल्दी पढ़ने वाला है। बैग का मेरा चेन ख़राब हो गया था इसलिए फाइनली मैं बैग लेने के लिए बनवाने के लिए आया, और चाचा बहुत अच्छा बैग बनाते हैं। इसके बाद इससे पहले मैं सब्जी उब्जी ले रहा था, तो सब्जी उब्जी की दुकान उधर है, वहाँ से मैं सब्जी लेकर के फिर मैं निकला। अब यहाँ से निकलने के बाद एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट पर मेरा एक मित्र है जो इंतजार कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड शायद कुछ उसका काम हो वो सब बताना है। ये पीपल का पेड़ और ये एयरपोर्ट वाला रोड, और मैं आ गया अपने मित्र के दुकान पर। अब यहाँ से कुछ देर बैठकी के बाद, खाली टाइम पास के बाद चला जाऊँगा मैं सीधे घर। ये ब्रॉडवे इन क्या नाम है इसका, हाँ, एयरपोर्ट के ठीक सामने है। इस पर थोड़ी देर बैठूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। बिल्कुल लास्ट मेरा डेस्टिनेशन यहीं पे है, यहीं पे आकर मैं थोड़ी देर घूमता हूँ, और यहाँ से घूमने के बाद नमस्कार नमस्कार भाई साहब नमस्कार, इसके बाद फिर घर जाना होता है। ये एयरपोर्ट का ये भाग है। अब इसके बाद रात में नाइट में व्लॉग में डालूँगा। तो पीछे वाला जो एरिया है भगवान भोलेनाथ का, तो बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत स्टैचू है। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा।